घर पर आपके स्मार्टफोन है? फोन है, मोबाइल फोन। तो पढ़ाई कैसे हो रही थी आपकी? ट्यूशन में। हाँ, ट्यूशन से पढ़ाई हो रही थी। अच्छा, स्कूल तो आ नहीं रहे थे, इंतजार था स्कूल खुलने का, दोस्तों से मिलने बहुत दिन हो गए मिले हुए। हाँ। आपके यहाँ है स्मार्टफोन? यस। आपकी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी फोन पर ही? नहीं। अच्छा, क्यों? क्योंकि हम आए थे पता लगाने ना, तो फिर खुल के स्कूल तो सोचे कि क्यों करेंगे ऑनलाइन क्लास, अब तो खुल ही गया इसीलिए। अब खुला है ना, लेकिन डेढ़ साल से तो बंद था ना स्कूल, तब नहीं कर रहे थे, तब नहीं हो पा रही थी। करीब डेढ़ साल बाद आज छोटे बच्चों के स्कूल खोल दिए गए हैं। बिहार में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल पहले ही खोले जा चुके हैं और आज 16 अगस्त से पहली से लेकर 8वीं तक के भी स्कूल खुल चुके हैं। इस वक्त हम गोलघर के कन्या मध्य विद्यालय में मौजूद हैं और ये तस्वीर देखिए कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो करीब डेढ़ साल बाद अब स्कूल आ रहे हैं और कोविड नियमों का पालन करते हुए अब इनकी पढ़ाई एक बार फिर से शुरू की जा रही है। पिछले डेढ़ साल से ये बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे, ऑनलाइन तरीके से इनकी पढ़ाई हो रही थी और जो बिहार सरकार है उसने ये फैसला लिया कि पहले 11वीं 12वीं फिर 9वीं 10वीं और अब पहली से लेकर 8वीं तक के ये स्कूल खोले जाएंगे। हमारे साथ स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं अनिल कुमार, वो भी मौजूद हैं। अनिल जी, डेढ़ साल बाद स्कूल खुल रहा है, डेढ़ साल के बाद विद्यालय खुल रही है, आज फर्स्ट दिन है, बच्चों की संख्या अभी थोड़ा कम है लेकिन दो चार दिन के बाद संख्या बढ़ने लगेगी। क्या नियम आप लोगों को फॉलो करने को बोला गया है, आप लोग किस तरीके से बच्चों को का ख्याल रख रहे हैं? बच्चों को दूरी बनाकर बैठाना है और कुल नामांकित बच्चों का 50% विद्यालय आना है और अल्टरनेट करके प्रत्येक दिन विद्यालय आना है। आज जो बच्चे आए हैं ये कल नहीं आएंगे? आज जो बच्चे आए हैं वो कल नहीं आएंगे, यही प्रोटोकॉल है। अच्छा, डेढ़ साल से ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी तो ये कहा जा रहा था कि जो सरकारी स्कूल हैं उनके जो बच्चे हैं या सरकारी स्कूल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑनलाइन पढ़ाई के माकूल नहीं था, तो क्या डेढ़ साल में दिक्कत आई ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर? ऑनलाइन पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत आई, हमारे यहाँ जो भी बच्ची आती है वो गरीब तबका से आती है और सभी बच्ची के पास एंड्रॉयड फोन नहीं है, जिसके कारण ऑनलाइन पढ़ाई करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। अब लगता है कि जब स्कूल खुल रहे हैं हालांकि बच्चे काफ़ी कम दिख रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या आपको लग रही है? इसके वजह अभी नया खुला है लेकिन दो चार दिन के बाद विद्यालय में पूर्णतः उपस्थिति हो जाएगी। ये देखिए, ये बच्चे हैं जो पिछले डेढ़ साल से ऑनलाइन पढ़ाई मजबूरी में कर रहे थे। ये बताइए, घर पर आपके स्मार्टफोन है? फोन है, मोबाइल फोन। तो पढ़ाई कैसे हो रही थी आपकी? ट्यूशन में। हाँ, ट्यूशन से पढ़ाई हो रही थी। अच्छा, स्कूल तो आ नहीं रहे थे, इंतजार था स्कूल खुलने का, दोस्तों से मिलने बहुत दिन हो गए मिले हुए। हाँ। ये देखिए, क्लास 5th के ये बच्चे हैं, आपके यहाँ है स्मार्टफोन? यस। तो आपकी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी फोन पर ही? नहीं। अच्छा, क्यों? क्योंकि हम आए थे पता लगाने ना, तो फिर खुल के स्कूल तो सोचे कि क्यों करेंगे ऑनलाइन क्लास, अब तो खुल ही गया इसीलिए। अब खुला है ना, लेकिन डेढ़ साल से तो बंद था ना स्कूल, तब नहीं कर रहे थे, तब नहीं हो पा रही थी। नहीं। आपके घर पर है फोन, स्मार्टफोन है? यस सर, है फोन। ऑनलाइन पढ़ाई हो पा रही थी? हाँ, हो रही थी। आपकी पढ़ाई हो रही थी? हाँ। स्कूल को मिस कर रही थी यहाँ पर आकर बैठना? स्कूल को मिस कर रहे थे बहुत। दोस्तों को भी मिस कर रही होंगी? हाँ। तो आपको खुल गया है लेकिन कोरोना का ध्यान रखना है? हूँ सर। ये देखिए, जैसा कि प्रिंसिपल ने भी बताया कि जो सरकारी स्कूल हैं और यहाँ पर जो बच्चे पढ़ने आते हैं आमतौर पर वो गरीब तबके के बच्चे होते हैं और ऑनलाइन पढ़ाई बोलने में जितना आसान है इन बच्चों के लिए प्रैक्टिकली उसे कर पाना उतना ही मुश्किल है। और पिछले डेढ़ साल से पूरे देश में जो स्कूल थे वो बंद चल रहे थे, अलग अलग राज्यों ने स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है और आज से बिहार में पहली से लेकर 8वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। बच्चों ने भी बताया
कि ऑनलाइन पढ़ाई में उन्हें दिक्कत आ रही थी। कई बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है, कई बच्चों के पास हैं लेकिन बावजूद इसके उन्हें ट्यूशन जाना पड़ा। लेकिन अब 1.5 साल बाद ये स्कूल खुले हैं, 50% की उपस्थिति के साथ ऑल्टरनेटिव डेज पर बच्चों को स्कूल आना है। साथ ही साथ स्कूलों को ये सख्त निर्देश हैं कि बच्चों के साथ कोरोना गाइडलाइंस का फॉलो करना है उन्हें, और साथ ही साथ सैनिटाइजेशन से लेकर मास्क, ये तमाम चीज़ें स्कूल प्रबंधन को ध्यान देनी है। उत्कर्ष कुमार सिंह, पटना।